बहुत भयंकर गाड़ी लगी हुई है, देख रहे हो गाइस कहाँ रुकी है बहन, जो एंड भयंकर मारी है डिवाइडर में, देख रहे हो गाइस कितनी भयंकर लगी हुई है। कभी कभी जिंदगी में हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हम वो डिजर्व नहीं करते। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, मेरा नाम अनुराग सिंह, अगर आप सभी मेरे को जानते हो, अगर नहीं जानते तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन, आप सभी मेरे को जान जाओगे। तो गाइस फाइनली आज हम काशीपुर अपनी गाड़ी थोड़ी सही करवाने के लिए आए थे, बट आज शॉप बंद मिली तो हमने सोचा चलो नैनीताल घूम के आते हैं। शाम का टाइम हो रहा है, 6 के आसपास का टाइम है, 6:30 के आसपास का, तो हमने सोची चलो नैनीताल पर गाड़ी का लाइटों का रिस्पॉन्स देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, और चलो आगे चलते हैं और लाइटें दिखाते हैं आपको। गाड़ी की बहुत लाइट कर रही है, पूरी गाड़ी की लाइट अपडेट है, तो देखते हैं क्या रिस्पांस गाड़ी दिखाती है क्या नहीं। और यार गाइस थोड़ी सी गाड़ी लग गई है यार, पीछे लगी क्या है वो पैसा नहीं लगी है, टायर लग गया है कट लेते हुए। चलो कोई नहीं, दिक्कत कोई नहीं है, चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर किसी सामने वाले के थप्पड़ मारने हैं ना तो कैसे मारेंगे, ये देखो गाइस देख रहे हो भयंकर वाले पास, कैमरे में दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो बट भाई जो रियलिटी में दिख रहा है ना वो खतरनाक ही है। और गाइस आज हम आपको दिखाएंगे अपने गाड़ी में हमारी पूरी लाइट अपडेट है, और आज हम दिखाएंगे आपको पहाड़ों में क्या रिस्पांस है हमारी लाइट का। हम लो बीम पे ज़्यादातर चलेंगे क्योंकि हाई बीम देखना कितना कर रहा है, ये देख रहे हो गाइस हाई बीम बहुत भयंकर है इस गाड़ी का। जब हाई बीम पे मैं गाड़ी चलाता हूँ तो ये सामने वाले के थप्पड़ सी मारती है, हर कोई मेरे से टोकता है और रोक के बोलता भी है कभी कभी कि भाई इतना पास मत दिया करो, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं फालतू पास नहीं देता, बस आप सभी को दिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं पास मार रहा हूँ रोड पे, नहीं तो नहीं, मैं एक बार पास लेता हूँ बस ओनली, अगर उसमें पास देता है तो ठीक है, इज्जत देगा तो इज्जत लेगा, सामने वाला हाई बीम चल रहा है तो भाई भी हाई बीम पे ही चलता है। और ये लाइट का थोड़ा रिस्पेक्टिक डिमा रहा है और इसे मैं अब सेट करा लूँगा रात में किसी दिन काशीपुर आने के बाद, और भाई फिर तो गाड़ी भयंकर वाली लाइट है, ये देख रहे हो गाइस इनोवा वाला भी साइड लगाएगा ही लगाएगा, यही तो होता है लोचा। इस देख रहे हो कितनी भयंकर वाली आंधी आ रही है, जंगलों के जंगल तबाह हो पड़े हैं यहाँ पे, जहाँ तहाँ पेड़ गिरे पड़े हैं, और ये हम अपनी गाड़ी अपनी आराम आराम से चला रहे हैं अभी तो, और हम रात को रिटर्न आना है, और अपना यहाँ से डिस्टेंस जो है नैनीताल का 32 किलोमीटर, और देख रहे हो कितनी तबाही हुई पड़ी है जंगलों में, भयंकर वाला तूफान आया हुआ था यहाँ पे। और ये मैं अभी लो बीम पे गाड़ी चला रहा हूँ, अभी तो काफ़ी रोशनी है तो कोई दिक्कत की बात, क्योंकि वाइट लाइट जो है ना वो रात में ही रिस्पॉन्स दिखाती हैं, और अभी तो दिन हो रहा है काफ़ी अच्छा खासा, काफ़ी रोशनी है, दिन भी नहीं कह सकते। और मैं हाई बीम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो गाइस हाई बीम, ये पास हो गया अपना, पास तो भयंकर है भाई, सामने वाला अंधा होना ही होना है, फोन में इतना दिखता नहीं है बट 100% सामने वाला, देखो ये देखो हाई बीम चल रहा था, ये इनने खुद ही डाउन कर ली अपनी लाइटें, हो ही नहीं सकता भाई, मैं अगर दो बार पास मार दिया ना दो तीन बार में तो बंदा सामने गाड़ी लगा ही देता है साइड में को। तो आप अगर किसी का मन हो गाड़ी का ये लाइट डलवाने का तो डलवा सकता है, मैं आपको फोटो वगैरह इसमें सब चीज़ दिखा दूंगा, यहाँ पे आपको डिब्बे का फोटो मिल जाएगा और शॉप वगैरह का भी नाम बता दूंगा, और कितने में पड़ेंगी वो भी आप बात कर लेना यार, जितने की भी आपको लग जाएंगी बार्गेनिंग वगैरह थोड़ा बहुत कुछ करके सही हो जाएगा आपका काम भी। चलो भाई ऊपर लेके चलते हैं गाड़ी को, और यहाँ अच्छी खासी चढ़ाई है, और ये अपना लक्ष्मण झूला कह सकते हैं, नहीं ये लक्ष्मण झूला नहीं है, कह सकते हैं, कहने को तो कुछ भी कह सकता है पब्लिक, ये पब्लिक है गाइस कुछ भी कह सकती है कुछ भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये गाड़ी देखना कहाँ भयंकर वाली लगी हुई है साइड में, बहन जो बहुत खतरनाक है, मैं आपको उतर के दिखाता हूँ एक बार, दिखाई देते हैं यार, और सामने भी लैंड स्लाइड हुई पड़ी है, एक बार रुक जाओ, बहुत भयंकर गाड़ी लगी हुई है, ये देख रहे हो गाइस कहाँ रुकी है बहन, जो एंड टाइम पर रुकी है जाके, जा नहीं तो काम डल ही जाता इस गाड़ी का। तो मैंने अपनी गाड़ी ऑन रोड पे खड़ी कर दी, साइड से नहीं लगाई, दिखाई देता हूँ, ये देखना कहाँ लगाई है गाड़ी यार, हद है, पी के लग चली हुई गाड़ी है, ये देखना कहाँ लगी हुई है, भयंकर वाली, भयंकर मारी है डिवाइडर में, देख रहे हो गाइस कितनी भयंकर लगी हुई है। ओहो चलो निकलते हैं गाड़ी लेके अपनी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 7:07, और अब यहाँ से निकलने के जल्दी जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी निकल जाएंगे तो सही है, नहीं तो भाई। और ये गाइस अपना ये टूट चुका है,
ये लग गई थी थोड़ी बहुत गाड़ी में, नहीं था जो हमको मिला गाइस। थ्रो देख रहे हो आप गाड़ी की लाइटों की, हाई बीम की खतरनाक वाली। अगर किसी के पीछे पास मार रहा हूँ ना तो वो भी भाई परेशान हो जा रहा है, परेशान एकदम साइड में लगा ले रहा है। हाई बीम पे चल रहा हूँ इस टाइम, चलो लो बीम कर लेता हूँ क्योंकि पहाड़ों में सही नहीं रहता हाई बीम चला। ये लो बीम अपना हल्का है बट लो बीम में ना है हाई बीम से ज्यादा प्रोजेक्टर महंगे लगे हुए हैं, LED लगी हुई है, बट इसमें प्रोजेक्टर में 2-3 ग्लैंस होते हैं मैंने सुना है, तो उसकी वजह से थोड़ा थ्रो कम निकलता है इसका। बट ये भी थोड़ा सेट होगा ना, इसकी थ्रो भी बहुत अच्छी खासी सही हो जाएगी, क्योंकि इसका थ्रो ना है बिल्कुल सही नहीं है, प्रॉपर रोड पर नहीं है, कोई एक साइड को एक लाइट एक साइड में जा रही है, बट कोई नहीं चल जाएगा। और हाई बीम देखो भाई, हाई बीम का तो तोड़ ही अलग है, ये देख रहे हो सामने आ रहा है, इसे मारता हूँ फास्ट, देख रहा लगा ली हल्की कर ली ना गाइस, हर कोई हल्की कर लेता है यार, बात ही कुछ है गाड़ी की, अलग ही बात है लाइटों की। ज्यादा मैं तारीफ कर नहीं रहा, कहीं भैंस की आंख गाड़ी खराब हो जा, गाड़ी नहीं लाइट खराब हो जा, चलो कोई नहीं जैसा भी है सही है। गाइस बिल्कुल बेकार लाइटें हैं। चलो मिलते हैं, और यहाँ पे ना आके ऊपर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो हल्के हल्के कान बंद होने लगे, पहले नहीं पता चलता था मेरे को कान बंद होते हैं नहीं, बट अब फील होता है मेरे को कान बंद हो रहे हैं। आज नैनीताल में पता नहीं किस चीज की शूटिंग होगी, पूरी ग्राउंड में गाड़ी गाड़ी खड़ी है सामने देख रहे हो, ये सब ये आई हुई जब इस वजह से आई हुई होंगी शूटिंग के लिए, और अपनी गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है साइड में, चल रहे हैं गाड़ी पे